राजधानी देहरादून में पीडब्ल्यूडी विभाग की मनमानी के चलते दून विहार राजपुर रोड कॉलोनी वासियों ने जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो वाकई हैरत में कर देने वाला है। मामला दून विहार जाखन राजपूत देहरादून का है, जहां पर कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी रोड चौड़ीकरण का कार्य कर रहा था। कॉलोनी में रोड को चौड़ा करते समय ठेकेदारों ने लोगों को मकानों तक रोड को खोद दिया, जिसके बाद बरसात के चलते कॉलोनी के कई घरों में दरारें आ गई, मकान की नींव बैठ गई, जिसको लेकर लोगों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके रोड को पूरा नहीं बनाया जा रहा है, बार बार विभाग को पत्र लिखने के बाद भी ना तो विभाग कोई कार्यवाही कर रहा है और ना ही प्रदेश सरकार, क्योंकि शिकायत के कई पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजे जा चुके हैं। ये जून में शुरू हुआ था, एग्जैक्ट तारीख मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है। जैसे 13 से 15 के आसपास से वो हुआ था हमारे घर के सामने। वैसे तो कार्य बहुत पहले से चल रहा है, करीबन मई में शुरू हो गया था। ये नीचे से होता हुआ आ रहा है भागीरथीपुरम से, हमारे यहाँ ये सब 13 या 14 तारीख के आसपास हुआ है। मकान डाउन हो गए, उनका भी समाधान होना चाहिए। और जो ये अब आप देख रहे हो दरारें पड़ चुकी है, तो इनको जितनी जल्दी हो सके ये रोड ठीक हो जानी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मकान ऐसे तो बन नहीं जाता कि एकदम बन जाएगा मकान, कुछ टाइम लगता है, पूरी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है, आपको पता ही है भाई मकान बनने में कितना पैसा लगता है। आप ये देख रहे हो कैसे बर्बाद हो रहा है मकान, ये आपको दिखाया, आप देख लो थे उधर। लाइव उत्तराखंड के लिए देहरादून से अरशद खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।